तरह से था? पहले तो इनका ऐसा था कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना, ना उठना, मतलब ऐसे था कि कुछ भी हमें अगर इनके सामने करना है तो हम खुद कर देते। इनको करवट दिलाना, उठाना, बिठाना, अपने सहारे से हम बिठाते थे इनको, उससे अलग ये कुछ नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि एक महीना तक इनके मुंह के अंदर पानी भी नहीं गया। तो क्या ट्रीटमेंट आपने पहले लिए जब ये ब्रेन हेमरेज आया? तो आपने एलोपैथी के हिसाब से न्यूरो सर्जन को दिखाया हॉस्पिटल में? देसी के लिए तो हम बम्बागढ़ भी गए थे, पर वहाँ से इनको दवाई बहुत सूट नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने मिमेंस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चलवाया, वहाँ से इनको तीसरी बार हुआ है। तो लगभग मैम ने एक चीज और इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि इन्होंने मिम्स हॉस्पिटल है न्यूरो सर्जन मिम्स, तो वहाँ लगभग 18 लाख रुपए का लगभग इनका 18 से 19 लाख का मैम का खर्चा भी आया है। हालांकि वो गवर्नमेंट द्वारा पेबल है, लेकिन खर्चा तो खर्चा ही है। उसके बावजूद सर को आराम, मतलब एक प्राथमिक उपचार सर को मिल गया, लेकिन जो रिलीफ आना चाहिए वो नहीं मिला। उसके लिए आप हमें बताएंगे कि आप AWPL के पास तक कैसे पहुंचे? सर हैं तो आप बताइए। एक अंकल जी हैं हमारे पड़ोस के, उन्होंने पापा जी को दरवाजे पे बैठे थे, पापा जी वो देखने के लिए आए उनको, और फिर उन्होंने बताया कि तुम अपने ट्रीटमेंट वहाँ से चलवाओ। फिर मैंने भैया, उन्होंने फोन किया उनको, एक भैया को बुलाया, उनको बुलाया, फिर उन्होंने आके मुझे इस दवाई के बारे में समझाया, परंतु मैंने इन पे विश्वास नहीं किया। फिर इन्होंने मुझे भी रिजल्ट दिखाने के लिए मुझे एड्रेस दिया, सब कुछ बताया। देखो, जब बीमारी के साथ में इंसान परेशान होता है तो बहुत जल्दी कोशिश करता है। लगभग यही टाइम था जब ये इस घर पे आई थी, और इन्होंने मुझे बताया था दवाई के बारे में, तो मैं इसी टाइम एक गली के भैया को लेकर उनके घर पे गई रिजल्ट देखने के लिए। मैं उनको रिजल्ट देख के आई, मैं वहां से बहुत खुश होती हुई आई। जो 75 साल के अंकल जी थे, वो आज ऐसी उनकी उम्र भी नहीं जिस कंडीशन में वो आज हैं, वो खुद बता रहे इतना हंस के और सब कुछ। तो उनके बाद मैंने फिर अपनी मम्मी से बात की, फिर जब मैंने दोबारा भैया को बुलाया और दवाई को मंगाया। चलिए, मैं आपको अभी अंकल से मिलाता हूँ, और उनके साथ उनकी वाइफ है, और हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या कंडीशन थी। सर, हमारे साथ राज जी हैं, मुनेश जी हैं, और पेशेंट की वाइफ हैं, और आज ये खड़े हैं, बैठे हैं, और खड़े भी हो सकते हैं। और अभी जो सर की हालत है, मतलब अब देखने लायक। अब देखो, अपने आप दवाई को हाथ लगा रहे हैं, सारी चीज़ खुद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मैम आप बताएं कि पहले किस तरह था और अब क्या लग रहा है आपको? पहले कंडीशन बहुत बेकार थी, लेकिन अब कंडीशन बहुत अच्छी है, पहले से बेहतर। ये एक महीने का रिजल्ट है। हाँ, ये एक महीने का रिजल्ट है, जिसकी वजह से सर आज उठ भी रहे हैं, और टॉयलेट के लिए भी बताते हैं, खाना भी खाते हैं, और बाकी तो सब कुछ। अभी दूसरे महीने की मेडिसिन आई है, और उनकी बेटियां उनका बहुत सहयोग दे रही हैं, क्योंकि समय समय पर दवाई वही दे रही है। तो कैसा फील हो रहा है सर को? धन्यवाद हो हमारे MD सर का, जिन्होंने इतने बढ़िया जूस और काढ़े बनाए, जिसकी वजह से ऐसे से लोग, ऐसे से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। आज हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है।